आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र स्थित घर से कुछ दिनों पहले भागी युवती ने वीडियो जारी किया कि उसने प्रेमी के साथ शादी कर ली है, जबकि उसने परिजनों पर अपनी मर्जी के बगैर शादी करने का आरोप लगाया। इस संबंध में युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। बरदा थाना क्षेत्र के निवासी युवती बीते दिनों अचानक से घर से लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब युवती का पता नहीं चला तो युवती के परिजनों ने बरदा थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्रपुर गांव निवासी दीपक पुत्र राममूरत पर बहला फुसला कर युवती को दिल्ली भगा ले जाने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए संबंधित थाना बरदा पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। इधर पुलिस उक्त युवती की तलाश कर रही थी कि इस बीच युवती ने एक वीडियो जारी कर सभी को चौंका दिया। वीडियो में युवती ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ शादी कर ली है जबकि उसने परिजनों पर उसकी मर्जी के बगैर शादी करने का आरोप लगाया है। जारी किए गए वीडियो में युवती ने कहा कि इस शादी से उसके प्रेमी के परिवार के लोग भी खुश हैं। उसने आरोप लगाया कि अगर उसके व उसके पति और ससुराल पक्ष के ऊपर किसी भी प्रकार की घटना घटित हुई तो इसके लिए उसके परिजन जिम्मेदार होंगे। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्रकला प्रजापति है। हम अपनी मर्जी से भाग के आए हैं यहाँ शादी करने के लिए। मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे इस शादी को, लेकिन इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और इसमें इनके घर वाले राजी थे, मेरे घर वाले राजी ही नहीं थे इस शादी के लिए, और मुझे वो शादी पसंद ही नहीं था। हम अपने कहें भाई से किसी से कहें कोई मेरा शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और इसके बीच कुछ भी होगा उनके परिवार के तो मेरे भाई जिम्मेदार होंगे, मेरे परिवार वाले पूरा जिम्मेदार होंगे, और हम दोनों को भी कुछ होगा तो मेरे परिवार वाले जिम्मेदार होंगे। पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि उनके परिवार वालों को कुछ ना किया जाए।